हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। मेरा नाम है अभिषेक डंडरिया और आज हम एक और नया इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है। देखिए, इसका पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने जितनी भी वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बर्ड सेंचुरीज न्यूज़ में रही हैं सन 2022 में, उसका एक मैंने कंपाइलेशन बनाया था, तो वो वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए ये प्रश्न लगातार कई परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है कि इस साल ये जैसे किसी स्पेशीज का नाम आपको दे देगा, किसी प्रजाति का नाम दे देगा जो कि विलुप्त प्राय है या हम कह सकते हैं जो खत्म होने वाली है उनका, और वो पूछेगा ये, और या फिर कोई नई प्रजाति कहीं पर खोजी गई है पेड़ की या जीव जंतु की, तो उनका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है और कभी कभी मैचिंग में भी पूछ लेता है। तो ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे कि 2022 के नए खोजे गए तमाम जंतुओं और संकटापन्न प्रजातियां। तो सबसे देखिए पहला क्या इसमें न्यूज है, भारत सकुरा मैप में शामिल। तो देखिए सबसे पहले यही आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सकुरा एक्चुअल में क्या है, देखिए चेरी ब्लॉसम जो फ्लावर होता है उसको जापानीज में सकुरा बोला जाता है। ठीक है, तो सकुरा मैप वो कंट्रीज होती हैं जहां पर चेरी ब्लॉसम की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में अभी मणिपुर में चेरी ब्लॉसम की एक प्रजाति खोजी गई है, उसी की खोज के साथ भारत उन कंट्रीज में शामिल हो गया है जिसमें चेरी ब्लॉसम पाया जाता है, और उन्हीं कंट्रीज के एक कंपाइलेशन को हम बोलते हैं सकुरा मैप। ठीक है, तो देखते हैं पूरा न्यूज क्या है। मणिपुर में चेरी ब्लॉसम की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। चेरी ब्लॉसम या सकुरा जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। इस खोज के साथ ही भारत सकुरा मैप में शामिल होने वाला 28वां देश बन गया है। खोजी गई इस नई प्रजाति का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर दीन बंधु साहू के नाम पर क्या रखा गया है, आपका पुरुनस दीन बंधुआना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, अगर आपसे सीधे पूछ ले पुरुनस दीन बंधुआना अभी हाल ही में चर्चा में था तो ये क्या है, तो ये चेरी ब्लॉसम की प्रजाति का नाम है। देखिए कुछ इस तरीके का चेरी ब्लॉसम का पेड़ आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने काफी फोटोज भी इसमें लगाए हैं ताकि आप लोग थोड़ा अच्छा रिलेट कर पाए। अब देखते हैं रेड सेंडर्स या रक्त चंदन संकटापन्न सूची में शामिल। तो एक लकड़ी का टाइप होता है रेड सेंडर्स। ठीक है, रेड सेंडर यानी रक्त चंदन की लकड़ी जो अभी तक IUCN के रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड, एंटीज को लिखा जाता है शॉर्ट में, ठीक है, एंटी के रूप में सूचीबद्ध थी, अब उसे संकटापन यानी एंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया है। यह भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है। तो देखिए काफी ज्यादा इसका क्षरण हो रहा है इसकी वजह से, और इसकी इलीगल तस्करी ट्रैफिकिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए इसको इसमें डाल दिया गया है एंडेंजर्ड श्रेणी में, जो विश्व में केवल शेषचालम की पहाड़ी सहित पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए बहुत कम जगह ये पाई जाती है, इसलिए इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है, और इसी वजह से इसको इलीगली स्मगल भी किया जाता है। तो देख लीजिए इस तरीके की कुछ लकड़ी होती है ये। ठीक है, अब अगला देखते हैं द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स रिपोर्ट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की वार्षिक समीक्षा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड्स ने चिंतित करने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसके अनुसार पक्षियों की 10,994 जीवित प्रजातियों में से 48% की आबादी घट रही है। देखिए लगभग आधी जो आबादी है पक्षियों की वो घट रही है। इसमें से 798 को विलुप्त प्राय, 460 को लुप्त प्राय और 223 को गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया। तो काफी चिंता का विषय है और इसका हमें संरक्षण करने की जरूरत है। अगला देखते हैं विलुप्त तस्मानियन टाइगर को फिर से जीवित करने की योजना। तो तस्मानियन से आपने देखा होगा, ठीक है, तस्मान जो सागर है वो ऑस्ट्रेलिया और जो तस्मान आइलैंड है उसके बीच में पड़ता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करके 1930 के दशक में विलुप्त हो चुके आपका थाइलासीन या तस्मानियन टाइगर को पुनर्जीवित करने के लिए $15 मिलियन की परियोजना शुरू की है। साल 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि तस्मानिया न्यू गिनी द्वीपों की इस मूल प्रजाति के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये दिखता था, अब इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने की कवायद शुरू की गई है। अगला देखते हैं 19वां साइट सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, पनामा में। आपने पनामा नहर सुनी होगी, वहीं पर ही आयोजित किया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो इसका 19वां ये अधिवेशन था और पनामा में आयोजित किया गया। तो उसके बारे में देखते हैं, भारत ने पनामा में हुए साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के 19वें सम्मेलन में रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल को परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। देखिए आपने देखा होगा जो साइट्स का
सिस्टम है, वहां अपेंडिक्स वन दिखेगा आपको, ठीक है, अपेंडिक्स वन, अपेंडिक्स टू। तो जो अपेंडिक्स वन होता है उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, या वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशीज उसमें रखी जाती है। तो उन्होंने कहा है कि रेड क्राउंड रूफ टर्टल जो है उसको आप अपेंडिक्स दो से हटाकर अपेंडिक्स एक में डालिए, ठीक है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल भारत के स्थानिक 24 प्रजातियों में से मीठे पानी में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है, जो नेस्टिंग साइट्स वाली गहरी बहने वाली नदियों में पाई जाती है। भारत के साथ साथ यह कछुआ बांग्लादेश और नेपाल में भी पाया जाता है। तो देखिए साइट्स का लोगो है, मैंने लगाया पनामा 2022, और आप ये देख सकते हैं ये होता है हमारा रेड क्राउंड रूफ टर्टल, ठीक है। इसको कहा है उन्होंने आप अपेंडिक्स टू से अपेंडिक्स एक में डालिए, इसको ज्यादा प्रोटेक्शन दीजिए। इसके देखिए आप देखेंगे सर पर ना कुछ धारियां रहती हैं हल्की हल्की, ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, इसीलिए इसको क्राउन बोला जाता है, रेड क्राउन। जो ताज होता है आपने देखा हो, क्राउन मतलब ताज। सेन्ना स्पेक्टबिलिस, देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आपने देखे होंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेजिव स्पेसीज, ठीक है, जो बहुत तेजी से फैलती है जंगलों में और वहां की जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं या नेटिव स्पेसीज होती हैं उनको खत्म कर देती है, ठीक है। अभी कुछ शायद 2 से 3 साल पहले यूपीएससी ने भी इस पर प्रश्न पूछा था, प्रोस्पोसिस जूनिफ्लोरा करके क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि ये टर्म हाल ही में न्यूज में था तो ये क्या है, तो वो उसका आंसर वही था, एक इन्वेजिव स्पेशीज है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस एक आक्रामक विदेशी प्रजाति ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में लगभग 1200 हेक्टेयर के क्षेत्र में अपना विस्तार कर लिया है। देखिए 1200 हेक्टेयर का क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए यह भी न्यूज में था। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। सेन्ना स्पेक्टेबिलिस मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका के फली परिवार आपका कैसर पिनियोइडी की पर्णपाती पादप प्रजाति है। इस आक्रामक पौधे का विस्तार कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल बाघ आरक्षित क्षेत्र, तमिलनाडु के मुदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा केरल के वायनाड वन्य जीव अभयारण्य में भी हो चुका है, तो जो कि काफी हमारा चिंता का विषय है, ठीक है। कुछ इस तरीके का देखिए स्पेशीज पेड़ लगता है, पादप स्पेशीज है। अब देखते हैं लिसु वैन वेबलर, ये देखिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, एक बार इसको और देख लेते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ब्रैंड वेबलर की एक नई प्रजाति की खोज की गई, इसका नाम लिसु समुदाय जो कि वहां पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, उसी के नाम पर लिसु ब्रैंड वेबलर रखा गया। तो चिड़िया की प्रजाति है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दिखती है। आगे देखते हैं पामकिंग या अमाथुसिया फिडिपस, ये क्या है, तमिलनाडु में पहली बार दुर्लभ तितली। तो आपसे सीधे पूछे अगर ये नाम देकर क्या है पामकिंग, तो ये दुर्लभ तितली की प्रजाति है, ठीक है, दुर्लभ तितली की एक प्रजाति पामकिंग या अमाथुसिया फिडिपस को हाल ही में देखा गया। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता इसका भूरा रंग तथा गहरे रंग की पट्टियां हैं, लकड़ी के रंग की होने के कारण इसे पहचानने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। विदित है कि पिछले महीने एक अन्य दुर्लभ तितली की प्रजाति स्पॉटेड रॉयल की खोज भी हुई थी, तो आप इसको भी याद रखिए, स्पॉटेड रॉयल की खोज भी की गई थी। भारत में लगभग 1500 प्रजातियों में से तमिलनाडु में पाई जाने वाली तितली की यह 321वीं प्रजाति है। यह निम्फेलिडे, ठीक है, सॉरी निम्फेलिडे उप परिवार से संबंधित है तथा ताड़ नारियल एवं कैलमस के पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो देखिए कुछ इस तरीके की दिखती है, आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा ब्राउन कलर है इसलिए इसको कभी कभी लकड़ी में ये दिखती नहीं है। अगला देखते हैं कौन सी प्रजाति है, एरियोसोमा इंडिकम, इंडिकम मतलब इंडिया से ज्यादातर लिया जाता है इसका मतलब। जर्नल ऑफ फिश बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, फिश बायोलॉजी की बुक है यानी क्या, किसकी प्रजाति है ये, फिश की या मछली की एक प्रजाति। भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने केरल एवं पश्चिम बंगाल के बंदरगाह से एकत्र किए गए नमूनों में से ईल मछली यानी सर्प मीन की एक नई प्रजाति की खोज की। तो एरियोसोमा इंडिकम क्या है, एक सर्प मीन की प्रजाति है। यह कॉन्ग्रीट ईल समूह से संबंधित है और इसे एरियोसोमा इंडिकम नाम दिया गया है। भारत में पाए जाने के कारण इसके नाम में इंडिकम शब्द, ठीक है, मैंने आपको बोला था, जोड़ा गया है। तो इस तरीके की कुछ दिखती है, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं मिनरवेरिया पेंटाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार प्रश्न है, देखिए मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए हो जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में मेंढक की एक नई प्रजाति मिनरवेरिया पेंटाली की खोज की है। यह मुख्यतः केरल एवं तमिलनाडु की स्थानिक या नेटिव स्पेशीज है। यह डिक्रोग्लोसिडे, ठीक है, डिक्रोग्लोसिडे कुल से संबंधित है। इसकी खोज विशाल सामान्य तथा भारतीय मेंढकों के एक भ्रमित समूह मिनरवेरिया प्रजाति, सामान्य नाम इनका क्या है, मिनरवेरियन मेंढक, पर एक अध्ययन के दौरान की गई। यह प्रजाति सबसे छोटे ज्ञात मिनरवेरियन मेंढकों में से एक है। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये मिनरवेरियन मेंढक दिखता है।
क्रिप्टो कारिया आपका मुथुवरियाना, ठीक है। अभी मुथु इसमें शब्द क्यों आया उसको देखेंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो कारिया मुथुवरियाना, क्रिप्टो कारिया मुथुवरियाना क्रिप्टो कारिया वर्ग की एक नई पादप प्रजाति है, याद रखना है, जिसे केरल के इडुक्की जिले में खोजा गया है। इसका नाम मुथुवर जनजाति के सम्मान में रखा गया है। तो ये मुथुवरियाना क्यों डाला गया है, क्योंकि केरल में मुथुवर जनजाति हमें मिलती है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह लॉरेसी परिवार से संबंधित है, यह जिसमें क्रिप्टोकारिया की 300 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। ये प्रजातियां दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा ओशियानिया में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो देखिए यही लगभग सारी स्पेशीज, आई थिंक जून या जुलाई से मैंने सारा कंपाइल किया है, वहां से ये पूरे साल तक न्यूज में थी। आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आई होप इसमें से कोई ना कोई स्पेशीज आपको एग्जाम में आपके जरूर मिलेगी, ठीक है। तो यही काफी अच्छा कंपाइलेशन आप लोगों के लिए है रिवीजन के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस में अभी और लाऊंगा 2022 के कंपाइलेशन का, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहां से आप उसको फ्री एकदम डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।